आज के वीडियो का क्या विश्लेषण होगा? आज है संडे और संडे के दिन कमेंट बॉक्स से कुछ एक क्वेरी मैं आपके सामने रखता हूँ। ऐसे तो हर एक दिन कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कशन करते हैं जिसके बेसिस पे आपको बहुत सारे क्वेरी का सलूशन मिलता है, लेकिन स्पेशली संडे के दिन जो कमेंट में क्वेरी होते हैं उसको लेके आपके सामने मैं रखता हूँ। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सलूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेरी के साथ। सर, लमसम करने का टाइम अब कब तक आएगा? देखो, ये काफ़ी कहना मुश्किल है। जब मार्केट यहाँ पे अपने हाई लेवल पे है तो गिरावट तो होगा ही होगा, लेकिन ये मैं कहूँ कि आने वाले 10 दिन में या 15 दिन में या फिर एक महीने में गिरावट होगा तो ये कहना काफ़ी गलत होगा। मार्केट अगर हाई बना रहा है तो वाकई में उसमें गिरावट ज़रूर होगा। अगर मार्केट को और हाई बनाना हो तो एग्जैक्टली गिरावट होके थोड़ा सा मार्केट कंसोल होगा और फिर से एक हाई पॉइंट बनता हुआ देखने को मिल सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि लमसम का बेनिफिट लें जब मार्केट में गिरावट हो और रिकवरी स्टार्ट हो तो हम बॉटम को पकड़ने का कोशिश करें, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। जी हाँ, आप लमसम कॉल को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक कर सकते हो और व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप इस सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन मैं इन्वेस्टर को ये भी बताना चाहता हूँ, देखो जब मार्केट हाई होता है तो इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि लमसम कब करें, कब समय मिलेगा, और जब मार्केट में गिरावट होता है, दबाव होता है, तो डर के बैठे रहते हैं। ये सोचते हैं कि यहाँ से तो और गिर सकता है, अभी हम लमसम नहीं करते हैं, अभी हम यहाँ पर पैसा नहीं लगाएंगे, और ऐसे में वहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिस हो जाता है। मैं कई ऐसे इन्वेस्टर को बताना चाहता हूँ जो वाकई में ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे पैसा लगा दें, शायद आगे मौका नहीं मिलेगा लमसम का। मैं जानता हूँ कि जब जब मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया है उसके बाद मार्केट ने मौका भी दिया है, चाहे वह 2 महीना लगे या 3 महीना लगे, आपको इंतज़ार करना चाहिए। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेरी है आप देख सकते हो, If we compare active fund with Nifty 50 small cap, always Nifty 50 small cap overcome active fund, so we should judge it wisely. देखिए, मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मैंने स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जी हाँ, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड का कंपेयर स्मॉल कैप एक्टिव फंड के साथ किया था, और उसमें मैंने एडवाइस किया था कि ये कभी नहीं हो सकता कि जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है वो एक्टिव स्मॉल कैप फंड को बीट करे। अब ऐसे में यहाँ पे इन्वेस्टर ने, व्यूअर ने एक पॉइंट रखा है कि अगर हम निफ्टी स्मॉल कैप 50 को कंपेयर करें, जी हाँ, जो स्मॉल कैप एक्टिव फंड है, तो यहाँ पे हो सकता है कि निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स फंड है वो बीट कर सके। देखो, मैंने आंकड़े देखे हैं, मैंने इस पर भी रिसर्च किया है, और मैं यहाँ पे काफ़ी दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी स्मॉल कैप एक्टिव फंड है वो किसी भी इंडेक्स को बीट कर सकता है लंबे समय पे, चाहे वो निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स क्यों ना हो। चलिए आपके सामने कुछ डाटा भी रखता हूँ, जैसे कि देखो आपके सामने जो डाटा है, निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये एक्टिव फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी का, 5 साल में जो रिटर्न है 258% का। अगर मैं एसपी स्मॉल कैप फंड की बात करूं, यहां पे 201% के ऊपर का रिटर्न है। टाटा स्मॉल कैप फंड की बात करूं, 5 साल में 242% का रिटर्न है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं, 311% का पिछले 5 साल में रिटर्न है। क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूं, 317% का यहां पे 5 साल में रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब मैं आपके सामने वो डाटा रखता हूं जिसके बेसिस पे आप समझ पाओगे कि क्या निफ्टी स्मॉल कैप 50 का रिटर्न ऐसे एक्टिव स्मॉल कैप फंड से ज़्यादा है। तो आपके सामने डाटा है, पिछले 5 साल में जो निफ्टी स्मॉल के 50 इंडेक्स है वो सिर्फ 125% का रिटर्न दिया है। अब आप ये सोच रहे हो कि ये कैसे पॉसिबल है। अगर देखो स्मॉल कैप इंडेक्स 50 की बात करूं, स्टॉक्स में पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा है, स्मॉल कैप के बेस्ट 50 स्टॉक्स में वो रिकवर रहेगा ही रहेगा। लेकिन जो एक्टिव स्मॉल कैप फंड है, देखो उसमें क्या फायदा है, फंड मैनेजर वहां पे एक्टिव होके काम करता रहता है, कहीं पे अगर अपॉर्चुनिटी है तो वहां पे पैसा लगा के, जी हाँ, फंड के रिटर्न को हाई करता है। कहीं मौका मिला तो वहाँ पे प्रॉफिट भी बुकिंग करता है, कहीं मौका मिला तो खरीदारी ज़्यादा करके फंड में पैसा ज़्यादा वहाँ पे इकट्ठा करता है जिससे इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिल सके। लेकिन इंडेक्स फंड की बात करें, चाहे स्मॉल कैप 250 इंडेक्स की बात कर लें या फिर अगर मैं 50 स्मॉल कैप इंडेक्स की ही बात कर लूँ, इसमें कोई फंड मैनेजर एक्टिव होकर काम नहीं करेगा। जी हाँ, वहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी हो या ना हो, उस 50 स्टॉक या उस 250 स्टॉक्स को ही फोकस करेगा। ऐसे स्थिति में यहाँ पे एक्टिव
स्मॉल के फंड हमेशा इंडेक्स स्मॉल के फंड को बीट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। SIP विथ इंश्योरेंस वाले म्यूचुअल फंड बताओ मस्ट रिप्लाई। देखो अगर आपको इंश्योरेंस लेना है और फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये एक सही डिसीजन नहीं है। इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दोनों को अलग रखो। अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा बनाना है तो आप म्यूचुअल फंड में फोकस करो। अब आपको पैसा भी बनाना है, आपको इंश्योरेंस कवर भी चाहिए, तो वो फंड सेलेक्ट करोगे जिसमें इंश्योरेंस का बेनिफिट हो, और हो सकता है कि वैसे फंड का परफॉर्मेंस सही हो या ना हो। तो इंश्योरेंस के चलते अगर फंड को खरीद रहे हो तो उसमें रिटर्न आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। ऐसे स्थिति में मैं आपको काफ़ी सिंपल तरीका बताऊंगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करो, उसके साथ ही साथ अगर आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट चाहिए तो आप यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोडक्ट पे पैसा लगाओ, ना कि कोई अल्टरनेट प्रोडक्ट सेलेक्ट करो जिसमें इंश्योरेंस का बेनिफिट मिले। जैसे कि कई LIC प्रोडक्ट हैं, गारंटी प्रोडक्ट हैं, जी हाँ वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट के साथ इंश्योरेंस बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखोगे एनुअल बेसिस पे तो मात्र 6-7% का रिटर्न मिलता हुआ देखने को मिलता है। हालांकि देखो अगर आप देखोगे कई बार LIC एजेंट जब आपके सामने आएंगे तो आपको कैसे फॉर्मूला तैयार करके देंगे, 10 साल पैसा जमा करो 15वें साल में आपको इतना मिलेगा, 20 साल पैसा जमा करो 25वें साल में आपको इतना पैसा मिलेगा। कभी वो ये नहीं बताएंगे कि ऑन द बेसिस कितना परसेंट रिटर्न देखने को मिलेगा। वो हमेशा आपके सामने ऐसे पिच करेंगे जिससे पैसा बड़ा दिखे, जी हाँ इतने साल में इतना बड़ा हो जाएगा, इतने साल में इतना बड़ा हो जाएगा। जबकि अगर आप उनसे कैलकुलेशन पूछोगे कि ऑन द एवरेज कितना सालाना रिटर्न मिल रहा है तो शायद वो वहाँ पर जवाब ना दे पाए। लेकिन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ऑन द एवरेज 6-7% का वहाँ पर रिटर्न मिलता हुआ देखने को मिलता है। तो आपको हमेशा जब भी इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करना है तो इन दोनों को अलग रखो। इन्वेस्टमेंट के लिए आप म्यूचुअल फंड पे डिपेंड हो और इंश्योरेंस के लिए आप यहाँ पे टर्म इंश्योरेंस में पैसा लगाओ। ऐसे कंडीशंस पे आपको यहाँ पे पैसा भी ज़्यादा बनेगा और काफ़ी कम प्राइस में आपको इंश्योरेंस बेनिफिट भी मिल जाएगा। आपको कभी भी म्यूचुअल फंड में पैसा इंश्योरेंस के लिए नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15K सैलरी नहीं मिल रहा है और ये 15K के SIP की बात कर रहे हैं। देखिए मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था जिसमें मैंने 15 15 15 15 का फॉर्मूला बताया था कि 4x15 का फॉर्मूला क्या है, जिससे स्टेप अप SIP से आप 15 साल में 2 करोड़ का रकम तैयार कर सकते हो। एक 3x15 का फॉर्मूला जिसमें हम SIP के थ्रू 15 साल में 1 करोड़ का रकम तैयार कर सकते हैं। अब उस पर इन्वेस्टर का ये स्टेटमेंट है कि 15,000 सैलरी नहीं है तो हम 15,000 का SIP कैसे कर सकते हैं। देखो ऐसा नहीं है, अगर मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना पूरा सैलरी ऐसे स्ट्रैटेजी में लगा देना है। आपका जो भी बजट है उस बजट के अकॉर्डिंग ही पैसा लगाओ। ऐसा नहीं है कि देखो अगर मुझे महिंद्रा थार पसंद है तो मैं महिंद्रा थार ही खरीदूंगा। मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि क्या मेरा पॉकेट अलाउ करता है नहीं करता है, क्या मैं जो अर्न कर रहा हूँ उससे मैं इस अपने ड्रीम को पूरा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर नहीं कर सकता हूँ तो वाकई में मुझे अगर मान लो कोई 4-व्हीलर खरीदना भी है तो अपने बजट के अकॉर्डिंग ही खरीदूंगा। वैसे ही देखो अगर आपका सैलरी ही 15K है तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। जितना पैसा लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको उतना बड़ा फंड भी मिलेगा। हाँ 15,000 का सैलरी है तो कम से कम 20% तो आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। आज के डेट में होता क्या है, इन्वेस्टर बस यही सोचते रहते हैं कि मेरा सैलरी इतना नहीं है, मेरे पास इतना ज्यादा पैसा बचता नहीं है, हम कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, म्यूचुअल फंड हमारे लिए नहीं है। अरे आप शुरुआत तो करो, आप एक कदम स्टार्ट तो करो, आप 500 रुपये से SIP स्टार्ट करो, 500 रुपये सालाना इंक्रीज करो, कम से कम इतना तो आप करो। देखोगे धीरे धीरे पैसा ग्रो होगा, आप मोटिवेट भी होगे। और यही नहीं, एक कमेंट और आया है इससे रिलेटेड, सर 10K तो महीने का मिलता है तो 15K कैसे SIP करूं। आपके पास बजट नहीं है तो आप SIP नहीं करोगे, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग SIP स्टार्ट करो। पैसा बनेगा, धीरे धीरे आपका इनकम भी बढ़ेगा और फिर आप अपने SIP को इंक्रीज कर दो। देखो ऐसा कहीं नहीं आपने देखा होगा, जब आपको आम खाना है तो पहले पौधा आपको रोपना पड़ेगा, जब वो पेड़ बनेगा तब जाके आपको फल खाने को मिलेगा। अब ऐसा है नहीं कि आपने बस पौधा रोपा और अगले दिन से वो पेड़ बन गया और आपको फल भी खाने को मिलेगा। तो शुरुआत तो करो, कम से कम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होगा। आज आपका सैलरी 10,000 है, किसी दिन 50,000 भी होगा और उस समय आपको ये फॉर्मूला काफ़ी सूटेबल लगेगा।